बाल कल्याण विकास विभाग एवं दुर्ग पुलिस के CWC विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के आदेशानुसार हमर बेटी हमर मान के तहत प्रत्येक स्कूलों में जाकर बच्चों को बाल अपराध के प्रति जागरूक करने एवं उसे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। आज माने या ना माने, जिले सहित पूरे प्रदेश में बाल अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल द्वारा हमर बेटी हमर मान नामक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे अपराधों को कम करने की कवायदें की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश पर इन अपराधों को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा प्रत्येक स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को इन अपराधों की जानकारी दी जा रही है और ऐसे समय में किस तरह से इन अपराधों के शिकार होने से बचा जाए, इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ऐसी एक कार्यशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवारा दुर्ग में आयोजित की गई, जिसमें दुर्ग जिला पुलिस विभाग के CWC के द्वारा रक्षा टीम के सहयोग से एवं बाल कल्याण विकास विभाग के साथ मिलकर स्कूल के छात्र छात्राओं को बाल अपराधों से संबंधित जानकारियां दी गई और बताया गया कि यदि कुछ आपराधिक गतिविधियां आपके समक्ष या आपके साथ होती हैं तो उस वक्त किस तरह से मोबाइल या अन्य किसी माध्यम से खुद को बचाया जा सकता है और उसकी जानकारी पुलिस विभाग को दी जा सकती है। पुलिस विभाग द्वारा बच्चों को यह भी बताया गया कि पुलिस आपकी मदद के लिए होती है और पुलिस को अपना मित्र समझें। इस कार्यशाला के संबंध में विद्यालय के प्राचार्य एवं CWC की तरफ से मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराई गई। आज श्रद्धा मैडम के सहयोग से बाल कल्याण विकास विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा हमारे यहाँ एक कार्यक्रम संपन्न किया गया, जो कि बड़ा ही गरिमापूर्ण रहा, जिसमें देवांश सिंह राठौर जी के द्वारा अपना प्रेजेंटेशन दिया गया। मैडम श्रद्धा सिंह के द्वारा जो है वो एक प्रेजेंटेशन दिया गया। इसी प्रकार से मिश्रा मैडम के द्वारा उस एक ऐप जो लॉन्च किया गया है शासकीय विभाग के द्वारा, उस पर प्रकाश डाला गया और हमारे विद्यार्थियों को ऐसी बातों से परिचित कराया गया जो कि जाने अनजाने मोबाइल के चलते जो उनसे गलतियां हो जाती हैं उससे कैसे बचा जाए, और साथ ही साथ गुड टच, बैड टच, वुमेन्स एम्पावरमेंट, जैसा मैंने पहले कहा, तो उस पर जो संवैधानिक अधिकार उनके क्या हैं, कानूनन वो क्या कर सकते हैं, उससे उनको परिचय कराया गया। साइकोलॉजिस्ट की तरह से, मतलब उन किस टाइप के बिहेवियर में चेंज आता है जब ऐसी कुछ गतिविधियां उनके साथ हो जाती हैं, तो दूसरे को कैसे पहचानोगे, अपने पेरेंट्स से को आपको ये बताना है कि मोबाइल के द्वारा बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, उसके संबंध में देवांश सिंह राठौर जी द्वारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है सभी छात्र छात्राओं को दी गई। और ये कार्यक्रम आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा, इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा और बहुत ही गरिमापूर्ण वातावरण में एक अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए पुलिस विभाग और बाल कल्याण विभाग के हम आभारी हैं और हम चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम और भी आगे समय होते। थाना उतई चौकी मचांतुर अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पगवारा में आज CWC के माध्यम से दुर्ग पुलिस के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गुड टच, बैड टच और यातायात नियम, साइबर फ्रॉड, इसके संबंध में बच्चों को जागरूक किया गया। साथ ही रक्षा टीम भी उपस्थित थी, जो हमर बेटी हमर मान माननीय मुख्यमंत्री जी की एक लॉन्च किया गया है कार्यक्रम, उस अभियान के तहत उन्हें महिला संबंधी कानून के संबंध में अवगत कराया गया है और एक प्रकार से जागरूकता अभियान था, जिससे बच्चे किसी भी तरीके से पुलिस से घबराए नहीं, उसने अपना मित्र समझे और किसी भी विषम परिस्थिति में पुलिस को अपना सहयोगी मानते हुए उनसे संपर्क करें। इस दौरान अभिव्यक्ति है डायल 112 के संबंध में भी बच्चों को बताया गया। किसी भी अपराध से बचने के लिए उस अपराध के बारे में जागरूक रहना काफी आवश्यक है और जागरूकता ही बचाव का एकमात्र साधन माना जाता है, और यह जरूरी भी है कि बच्चे, जिन्हें कच्ची मिट्टी कहा जाता है, उन्हें पहले से ही ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वह ऐसे अपराधों का शिकार ना हो पाए और ना ही ऐसे अपराधों में संलिप्त हो पाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।